मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और महिला समाज सेविकाओं ने करीब 200 बच्चियों को द केरला स्टोरी मूवी दिखाई। इन सभी बच्चियों को शहर के एक सिनेमाघर में ले जाकर बड़े पर्दे पर मूवी दिखाकर उन्हें संस्कारों के प्रति सजग किया। और महिला समाज सेविकाओं की माने तो आज के इस युग में बच्चियाँ पश्चिमी संस्कृति की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं और वह अपने मूल पारिवारिक संस्कार को भूल रही हैं। बच्चियों में भारतीय संस्कार जीवित बनाए रखने के लिए उद्देश्य से एक साथ करीबन 200 बच्चियों को निःशुल्क द केरला स्टोरी मूवी दिखाकर महिलाओं समाज सेवियाओं ने बच्चियों को प्रेरणा देने का काम किया है। वहीं इन सभी बच्चियों को नौगांव से छतरपुर बस के माध्यम से लेकर आया और उन्हें यहां पर सिनेमा हॉल में मूवी दिखाई गई। और इस मूवी देखने के दौरान बच्चियों में उत्साह देखा गया और बच्चियों ने सिनेमा हॉल के अंदर जाकर जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा शिवहरे ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोगों के द्वारा बेटियों को द केरला स्टोरी मूवी दिखाई गई और इसमें तक्षशिला स्कूल, सरस्वती स्कूल और समाजसेविकाओं के सहयोग से द केरला स्टोरी मूवी दिखाई गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ रही हैं बच्चियां और उन्हें अपनी और अपने संस्कारों से मूल धाराओं से अलग होती जा रही हैं। उन बेटियों को अपने संस्कारों से अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। लगभग 200 बेटियों के साथ छतरपुर के जेपी सिनेमा में हम लोगों ने अपनी बेटियों को द केरला स्टोरी मूवी दिखाई है। इसमें प्रमुख रूप से हमारी समाज सेवी बहन तृप्ति कठेल, तक्षशिला स्कूल और सरस्वती स्कूल के पूर्व छात्रों के द्वारा और सभी समाज सेवियों के सहयोग से आज यह बेटियों को फिल्म दिखाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आज हमारी बेटियां पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रही हैं और अपने संस्कारों को अपनी एक मूल धारा से अलग होती जा रही हैं, बेटियों को जोड़ना, अपने संस्कारों से अवगत कराना है। मैं अनुरोध करूंगी माता पिता से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेटियों को द केरला स्टोरी मूवी दिखाएं, जिससे हमारी बेटियां संस्कारों को पहचाने और एक सुनने में और एक देखने में एक अलग अंतर रहता है। बच्चों ने बड़ी स्क्रीन में बेटियों ने मूवी देखी है तो उनको एक अलग उसका समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।